राम राम सारे भैया ने, मैं विजेंद्र खरकोदा आपका स्वागत करता हूँ हमारे लोहे के जुगाड़ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आपको टीन सेट गोदाम। तो दोस्तों हमने गोदाम बनाया है मसाला फैक्ट्री का, और इसमें हमने स्लाइडिंग वाला गेट भी लगाया है, और कौन सी हमने प्रोफाइल शीट लगाई है कौन सी कंपनी की, और कौन सा हमने पाइप लगाया है, कितना मोटा पाइप लगाया है, और किस साइज़ का हमने ये गोदाम बनाया है, कितना ऊंचा लगाया है, दोस्तों आपको फुल जानकारी देंगे, और इसमें टोटल कितना खर्चा है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको टीन सेट गोदाम। इससे पहले आप हमारे चैनल के पेज को खोलकर हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं लोहे से जुड़ी हुई। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको टीन सेट गोदाम, इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा आपको फुल जानकारी देंगे। दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। दोस्तों दिखाते हैं आपको टीन सेट गोदाम। तो दोस्तों हम यहाँ का ये शेड बनाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। ये 13 फुट की ऊँचाई है हमारी, और ये 40x35 का हमारा शेड बनेगा गोदाम। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये हार्डवेयर की दुकान से ये पाइप ख़रीदना पड़ेगा। ये हमारा पाइप है, ये 30 पीस हमने पाइप मंगाया है, 30 पीस मंगाया दोस्तों। इसमें 250 का पाइप है 20 पीस, और 3.5 का पाइप है हमारा 10 पीस। इसमें दोस्तों जो कैची बनेगी वो 3.5 पाइप की, जो हमारा 3.5 का पाइप होता है उसकी हम कैची बनाएंगे, और ऊपर जो हम पाइप डालेंगे जो चादर कसने के लिए वो 250 का पाइप डालेंगे। तो दोस्तों 250 का पाइप आता है हमारा मात्र 1200 रुपये का, और 3.5 का पाइप लेंगे हम 1400 रुपये का। इसमें हमने 30 पाइप मंगाए हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। और दोस्तों इस तरह हम ये पाइप काट देंगे, ये हमारी अब कैची बनाना चालू करेंगे। ये देखो दोस्तों ये हमारा 3.5 का पाइप है, आपको दिखा रहे हैं। इसकी हम कैची बनाएंगे जिस पे बीच में कोई सपोर्ट नहीं आएगी, दीवारों पे सब वजन आएगा, बीच में कोई सपोर्ट नहीं 40x35 के सेट में। तो दोस्तों हमने ये पाइप काट दिया, सभी देखो आपको दिखा रहे हैं। अब इसको जोड़ना चालू करेंगे, और इस तरह हम कैची बनाएंगे। ये 10 इंची की हमारी ऊंची है, और लंबी कैची पड़ेगी हमारी ये 35 फुट की। दोस्तों एक हमारी 35 फुट की कैची बनेगी, और एक 40 फुट की कैची बनेगी। ये 10 इंची चौड़ी देखो आपको दिखा रहे हैं। सभी पाइप हमने अच्छी तरह 5-5 फुट पे हमने ये पाइप भरे टुकड़े इसके अंदर। ये 10 इंची चौड़ी है, इसके अंदर हमने 6-6 इंच के टुकड़े भरे हैं, और ये 3-3 इंची के हमारे पाइप होते हैं। 3.5 का पाइप लगाया इसमें। ये 20 kg वाला पाइप है दोस्तों, मात्र 1400 रुपये का हमारा पाइप पड़ेगा 3.5 का, और 250 का पाइप लेना होगा आपको तो मात्र 1200 रुपये का हमारा पाइप पड़ेगा। तो दोस्तों हमने ये सेट कर दिए देखो कैची, और ये ऊपर की हमारी कैची लगी है जो ढलान में, ये पीछे से हमने 2 फुट उठाई है, यानी पीछे से हमने 2 फुट का ढलान किया इसमें, और देखो बीच में कोई सपोर्ट नहीं है दोस्तों। अब इसमें पेंट होना चालू करेंगे, एक बार आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा बन के रेडी हो गया, देखो ये आपको दिखा रहे हैं, सभी हमने अच्छी तरह सेट किया है। और दोस्तों इसमें हमारा ये देखो इस तरह हमारा पेंट हो रहा है, इसमें हम ये ब्लैक कलर का हमने मतलब काला काला पेंट करवा रहे हैं इस तरह। ये अब दोस्तों हमने कपड़े से हमने ये पेंट करवाया, आप भी अब कपड़े से करवाना चाहते हो कपड़े भी कर सकते हो, आसान तरीका है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों इसमें तकरीबन हमारे पाइप लग गए, 30 पाइप आए हैं, और इसमें 24 चादर आई हमारी, आपको चादर भी दिखाएंगे। ये 250 का और 3.5 का पाइप लगा है, मात्र 42000 रुपये का हमारा पाइप लगा है, ये आपको दिखा रहे हैं, मात्र 42000 रुपये का पाइप लगा है। और बीच इस तरह हमने सेटिंग किए देखो, ये टुकड़े सभी को हमने अच्छी तरह सेट करके दीवार से मिला के सभी से नटार पार किया है, दीवार में से नटार पार किया है दोस्तों। और फास्टनर लगाया इसमें, 10 mm का फास्टनर लगाया, और इसमें एंगल
रख के हमने दीवार में से नटार पार किया है। बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, 40x35 का हमारा ये शेड है और इसमें काला पेंट करवा दिया हमने, आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ऊपर से हमने 5x5 फुट का हमने इसका खाना किया है और ये ऊपर हमने जो पाइप रखा है हमारा लंबा चादर कसने के लिए, ये हमारा 250 का पाइप है। ये 35 फुट लंबे हमारे पाइप हैं और 40 फुट की तरफ हमारा पानी उतरेगा और 35 फुट की ये दोस्तों हमारी चादर आई है, 20 फुट की 24 चादर। ये देखो इस तरह आपको जूम करके भी दिखाएंगे थोड़ा सा, इस तरह हमने नटकी कसे इसमें। ये देखो दोस्तों ये अच्छी तरह हमने इसमें 3 सूत का 12 इंची नट कसा है, पूरी स्टूडियो वाला नट है और सभी हमने अच्छी तरह सेट किया है। दोस्तों आंधी तूफान आए कोई दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा तूफान आए। और दोस्तों इसका गेट बनेगा सामने, आपको दिखाएंगे एक बार। ये देखो दोस्तों सभी को अच्छी तरह हमने मिलाया है। ये देखो दोस्तों सामने हमारा ये गेट दिख रहा है, इसका गेट बनेगा स्लाइडिंग वाला गेट। और अब इसमें चादर लगाना हम चालू करेंगे। ये हमारा फ्रेम बन के रेडी हो गया है, ऊपर का हमारा छत का काम चालू हो जाएगा अब। तो दोस्तों कम पैसों में अच्छा गोदाम बनाने का जुगाड़ है दोस्तों, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। आपको कहीं ले जाना हो तो आपका ये चादर वैसे ही काम आ जाएगी कहीं। तो दोस्तों आप भी अपने गोदाम बनवाने के लिए टीन शेड बनवाएं, कम खर्च में अच्छा जुगाड़ और जल्दी सबसे अच्छा। तो दोस्तों ये हमारी चादर है, SR कंपनी की हमने चादर ली है। ये 20 फुट लंबी हमारी चादर है, 24 चादर है, ये आपको दिखा रहे हैं, नीचे भी पड़ी है और ऊपर भी खड़ी है। अब इसमें चादर लगाना हम चालू करेंगे। तो दोस्तों अच्छी चादर है SR कंपनी की, 20 फुट लंबी, ये 3.5 फुट की चौड़ी होती है और 20 फुट लंबी होती है। मात्र एक चादर पड़ेगी हमारी तकरीबन 3200 रुपये की हमारी चादर पड़ेगी। ये 24 चादर आई हमारी 76,000 रुपये की और 42,000 रुपये के हमारे पाइप आए हैं और इसका एक छोटा शेड और स्लाइडिंग वाला गेट और बनेगा। तो टोटल इसमें खर्चा आएगा तकरीबन 1,70,000 रुपये का हमारा इसमें खर्चा आएगा। आपको पूरा कंप्लीट दिखाएंगे, वीडियो जो छोड़ के नहीं जाए, वीडियो जरूर पूरा देखे। देखो दोस्तों अब इसमें चादर में हम पेच लगा रहे हैं, ये 55 नंबर का पेच है हमारा, चाइनीज सकरू बोलते हैं इसको। और सभी पेच खड़ी नाली में लगाएंगे दोस्तों, आप अब भी अपना शेड बनवाना चाहते हो तो खड़ी नाली में पेच लगवाए या हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कम पैसों में अच्छा टीन शेड गोदाम। तो दोस्तों कंपनी के लिए या आप किसी भी चीज़ का गोदाम बनवाना चाहते हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ लगाएंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों इस तरह हम पेच कस रहे हैं, ये खड़ी नाली में हम पेच लगा रहे हैं। ये SR कंपनी की हमारी चादर है, ये देखो दोस्तों सभी हमने पेच खड़ी नाली में मारे हैं और सभी हर एक नाली पे हमने पेच मारा है जो हमारी खड़ी नाली है। नीचे की नाली में कभी पेच ना मारे जिससे पानी जाने का डर रहता है और बाद में कंप्लेंट आती है। तो दोस्तों मैं सभी मिस्त्री से कहना चाहता हूँ तो पेच मारे तो खड़ी नाली में मारे। तो दोस्तों ये हमारा बन के रेडी हो गया, ऊपर से छत आ गई है इसकी, सभी चादर हमने कस दी है, आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा गोदाम बन के रेडी हो गया है और ये आपको आगे से दिखा रहे हैं। देखो दोस्तों ये दोस्तों हमने इसमें गाड़ी खड़ी करने का एक छोटा शेड भी बनाया बराबर में और इसमें स्लाइडिंग वाला गेट भी और ऊपर का आगे का हमने गोदाम। ये देखो दोस्तों ये 12x30 का हमारा शेड है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं, आप इसके अंदर गाड़ी खड़ा करना चाहते हो तो कैची इसमें हमने लगाई है, बीच में कोई पिलर नहीं है। ये देखो आपको दिखा रहे हैं इस तरह हमने एक कैची लगाई है, ये देखो, और स्लाइडिंग वाला गेट लगाया है।
मात्र टोटल इसमें खर्चा आया हमारा 1,70,000 रुपये का इसमें खर्चा आया है। और 1400 फुट एरिया हमारा गोदाम का बैठा है। और देखो दोस्तों, इस तरह हमने सभी में अच्छी तरह फासलन मार के अच्छी तरह सेट किया है और 12 इंची नटार पार किया है। और दोस्तों हम भी आपको स्लाइडिंग वाला गेट दिखाएंगे। ये स्लाइडिंग वाला गेट बनाया हमने 9x10 का, हमने ये सेट स्लाइडिंग वाला गेट बनाया है कम बजट में, मात्र 10,000 रुपये में आप ये गेट बनवा सकते हो। ये बैरिंग वाला गेट, टीन की चद्दर का गेट, ये दोस्तों हमने टीन लगाई है इसमें। और इसमें हमने खिड़की भी लगाई है, आपको खिड़की खोल के दिखाएंगे। ये सबसे पहले आपको ये स्लाइडिंग वाला गेट खोल के दिखाते हैं। देखो दोस्तों, आप इसको इस तरह खोल सकते हो और बंद कर सकते हो, ये दीवार से मिल जाएगा। ये देखो दोस्तों, और अब इसको खिड़की खोल के दिखाएंगे हम आपको। ये देखो दोस्तों, और आपको अंदर से दिखाएंगे गेट। ये देखो दोस्तों, इसमें हमने खिड़की बनाई है। आप इसको छोटा गेट बनाना चाहते हो तो छोटा गेट भी कर सकते हो, बड़ा खोलना चाहते हो तो बड़ा भी खोल सकते हो। ये देखो दोस्तों, आपको एक बार नज़दीक से दिखाएंगे इसकी साखड़ और इसका कुंदा। जैसे हमने इसमें ताला लगने का जुगाड़ बनाया है, आप इसको साखड़ भी यूज कर सकते हो और कुंदा भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये स्लाइडिंग वाला गेट देखो, चैनल लगाया ऊपर, ये ऊपर आपको चैनल दिखाया है। ये 3 इंची चैनल हमारा मात्र 2500 रुपये का हमारा चैनल पड़ेगा। और बैरिंग पड़ेगा हमारे तकरीबन 2500 रुपये के हमारे बैरिंग पड़ेगा। और मटेरियल लगेगा हमारा तकरीबन 10,000 रुपये में आपको रेडी करके देंगे ये गेट। ये 10x9 का गेट है हमारा। ये देखो, आप इसको अंदर, ये देखो नीचे ये बैरिंग लगा हमारा। और नीचे हमने 5 फुट का गोल सरिया लगाया इसमें, जिस पे ये चल रहा है गेट। एक बार आपको अंदर से जोर दिखाएंगे गेट को। ये देखो दोस्तों, इस तरह आप इसको बंद कर सकते हो, इसमें ताला लगा सकते हो या कुंडी लगा सकते हो। तो दोस्तों, बड़ा गेट खोलना है तो आपको इन कुंदों में ताला लगा सकते हो, छोटा गेट खोलना है तो साखड़ लगा दिए। दोस्तों, कम पैसों में मात्र 10,000 रुपये में आपको स्लाइडिंग वाला गेट मिल जाएगा। ये गोदाम कंप्लीट करके देंगे आपको मात्र 1,70,000 रुपये में। ये 1400 फुट एरिया हमारा बैठा है और ये आपको अंदर से दिखा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, गेट ये हमारा बन के रेडी हो गया है गोदाम। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कैसा बना दोस्तों, कैसा नहीं बना। एक बार आपको अंदर से जरूर दिखाएंगे। देखो दोस्तों, इसमें ये सामान भी लोड हो गया है पेटियों में। इस तरह का ये गोदाम बन रहा है 40x35 का, बीच में कोई सपोर्ट नहीं। आप इसको गाड़ी अंदर करना चाहते हो, गाड़ी भी अंदर कर सकते हो इसके। ये 13 फुट की ऊंचाई पर हमने ये शेड लगाया है और इसकी दीवार करवा दी थी भाई ने। तो दोस्तों, कैसा बना कैसा नहीं बना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसा बना कैसा नहीं बना, एक बार कमेंट कर